आगामी 22 तारीख को कावड़ यात्रा 2024 का आगाज हो जाएगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपनी अपनी गंतव्यों को जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज एडीजे मेरठ जोन ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल कावड़ यात्रा 2024 का आगाज आगामी 22 जुलाई से होने वाला है। इस दौरान करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपने अपने गंतव्यों को जाएंगे। करोड़ों की संख्या में गंगा जल लाने वाले शिव भक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, जिसको लेकर आज मेरठ की पुलिस लाइन में एडीजी जोन डीके ठाकुर ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कावड़ यात्रा के रूट का खाका खींचा। इस दौरान एडीजे मेरठ जोन डीके ठाकुर ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन एक बड़ा प्लान होता है और इसमें हरियाणा दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड प्रशासन का भी अहम रोल होता है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को फाइनल कर दिया गया है, जो कि 22 जुलाई से भी लागू हो जाएगा। कि कांवर यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है और ये हम लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और इस कांवर यात्रा के दौरान जो ट्रैफिक डायवर्जन होता है उसमें अपने प्रदेश के अलावा हरियाणा और दिल्ली लीड लगा वो भी शामिल रहते हैं, उनके सहयोग से कार्यक्रम हो पाता है। तो इस कार्य को फाइनल टच देने के लिए, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को फाइनलाइज करने के लिए आज हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सभी जनपदों के एसपी ट्रैफिक या ऐसे एडिशनल एसपी जो कि ट्रैफिक काम देख रहे हैं वो लोग आए थे। हम लोग स्पेशली उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून के एडिशनल एसपी ट्रैफिक को बुलाया था, वो भी शामिल हुए। जो लोग शामिल नहीं हो पाए उनसे हम लोगों ने अलग से विचार विमर्श कर लिया है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को फाइनलाइज कर लिया है, जो कि 22 तारीख से प्रारंभ होगा। ये ट्रैफिक डायवर्जन प्लान अलग अलग वाहनों के लिए है, भारी वाहनों के लिए अलग है, मध्यम छोटे वाहनों के लिए अलग है, कहीं डायवर्जन है कभी नो ट्रैफिक है, इसके बारे में विस्तार से जो प्रेस नोट है आज जारी कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि आगामी 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ साथ प्रमुख सचिव कावड़ यात्रा की तैयारी की बैठक करने के लिए मेरठ आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के साथ साथ आगरा और बरेली जोन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान कावड़ यात्रा के सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा के बिंदुओं को इस बैठक में फाइनल किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।